हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी सेक्टर का मैं इसको कहूँगा एक महारथी शेयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज क्वार्टरली रिजल्ट आया है, 2,346 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। ये प्रॉफिट नहीं, ये इनकम है, टोटल इनकम जून क्वार्टर में इतनी दिखाई है इस शेयर ने। चलिए जानते हैं इस रिजल्ट के बारे में, जानते हैं प्रॉफिट, जानते हैं कितना हुआ है, साथ में देखते हैं थोड़ा फंडामेंटल और थोड़ा टेक्निकल इस छोटे से वीडियो में। अब सीधे लेके चलता हूँ आपको इस शेयर की तरफ। अगर मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखता हूँ, क्योंकि महारथी शेयर है भैया, 74,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस 420 का, पी रेशियो 49 का, पी जी रेशियो 3.97 का, कंपनी के ऊपर 500 करोड़ का डेट भी है, रिटर्न रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 28% का रिटर्न, इक्विटी पे 26% का रिटर्न, जबरदस्त डिविडेंड भी बढ़िया देता है, प्रोमोटर होल्डिंग 67-68% के आसपास की है। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है रिजल्ट की। और आप सोचोगे भाई कंपनी कौन सी है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड की, एक बहुत बड़ा एफएमसीजी प्लेयर है। चाहे आप कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट की बात करो या फिर फूड प्रोडक्ट की बात करो, तो एक टॉप का प्लेयर आता है डाबर इंडिया। आपने नाम सुना होगा डाबर के, कितनी वैरायटीज आती हैं। यहाँ पे देखिए डाबर आज की डेट में 2% नीचे होके बंद हुआ है। वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 1,23,00,000 इतना वॉल्यूम इसका आज की डेट में ट्रेड हुआ। अमूमन जो नॉर्मल इसका वॉल्यूम है वो 28,00,000-30,00,000 इसी तरीके से ट्रेड हुआ, लेकिन आज जबरदस्त वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात है रिजल्ट, तो रिजल्ट सीधे लेके चलता हूँ आपको रिजल्ट की तरफ। जो टोटल इनकम 2,346 करोड़ की हुई है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, यानी कि मार्च क्वार्टर के कंपेरिजन में, ऑलमोस्ट 7% का टोटल इनकम में जंप देखने को मिला। आप खुद देखिए यहाँ पे 7% का जंप। और नेट प्रॉफिट 371 करोड़ से घट के 363 करोड़ हुआ है, मतलब 2% प्रॉफिट में डाउन आया है, 2%। आप देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी 2.09 रुपए से गिर के 2.05 रुपए पे शो किया है। अब बात आती है जून क्वार्टर, पिछले साल जून क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 9% टोटल इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट जो 330 करोड़ का था वो 363 करोड़ हो गया है, यानी कि 10% से ऊपर का बढ़िया। अर्निंग पर शेयर जो 1.86 रुपए था वो 2.05 रुपए हो गया। चलिए ये सारी चीज़ें तो बढ़िया है, लेकिन अगर डाबर इंडिया का ओवरऑल पिछले कुछ क्वार्टर का आप डाटा देखोगे, तो जैसा कि दिसंबर क्वार्टर में 366 करोड़ था, 370 करोड़ मार्च क्वार्टर में था, उससे पहले देखिए 377 करोड़ था, इस तरीके से प्रॉफिट था। लेकिन इस बार प्रॉफिट में थोड़ा सा मैं कहूँगा पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में क्या है, कमी देखने को मिली है जरूर। अब यहीं पर अगर इस चीज़ की डिटेल देखी जाए, इन सारी चीज़ों की डिटेल देखी जाए, तो टेक्निकल्स क्या कहते हैं वो देखिए। अगर आप टेक्निकल वाइज देखोगे तो शेयर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, नो डाउट। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, और कुछ टाइम ही नहीं, अगस्त 2018 उसके बाद शेयर में जो एकदम ऊपर हाइक चला गया था ना, उसके बाद शेयर धीरे धीरे करेक्शन के मोड पे है, और इसने एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन अपना बनाया है। वो स्ट्रांग सपोर्ट जोन देखिए, अगर आप टेक्निकली एनालाइज करते हो चीज़ों को तो समझिए, आप समझ गए होंगे। तो देखिए पहले पुराना रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी उसने सपोर्ट का काम किया, और 1, 2, 3 अभी तक ये सपोर्ट का, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है मैं कहूँगा। और इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, शेयर 420 के आसपास तो है, ट्रेड कर रहा है। ये आप देखिए बिल्कुल सपोर्ट का, स्ट्रांग सपोर्ट का, जिस किसी ने भी टेक्निकलिटी देखी होगी तो यहाँ पे जरूर बाइंग की होगी। 370 सेकंड टाइम पे फिर से 370, थर्ड टाइम पे फिर से 370 के लेवल पे बाई करके प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा इस शेयर में, मैं तो यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन वीकली चार्ट के अलावा मैं कुछ और भी देखना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डेली चार्ट, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जरूर दिखा कीजिए। तो डेली चार्ट पर्सपेक्टिव से अगर शेयर को देखें तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन आज रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट दिन में आया, तो थोड़ा सा नाखुशी जरूर देखने को मिली है। मैं कहूँगा वापस अगर ये शेयर अपने इधर ये ट्रेंड लाइन के पास आता है या फिर अपनी सपोर्ट की रेंज में आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर की ट्रेंड लाइन है 380 के लेवल पे शो कर रही है, यानी कि 40 रुपये का डाउन शो कर रही है इसमें, और सपोर्ट हमारा 370 की रेंज में है, यानी कि 370 से 380 का प्राइस बढ़िया है इस शेयर के लिए। फिलहाल देखते हैं डाबर का हम डिविडेंड, टाइम टू टाइम डिविडेंड जरूर दिया करता है ये शेयर। और यहाँ पर अगर आप डिविडेंड देखोगे तो देखिए 1.5 रुपये का डिविडेंड अभी अगस्त में पेंडिंग है, और इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर दिया करता है डाबर। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।